हेलो गाइस, सीसी 2021 स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन के लिए कल भी हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर में पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम पास्ट पेपर्स के स्क्रीनिंग के कुछ सवाल करते हैं जो जनरल एबिलिटी से रिलेटेड है। अच्छा जी, एक सवाल जो सीसी 2019 के स्क्रीनिंग पेपर में आया था वो सवाल ये था, नंबर वन के सावल रैंक्स 17th फ्रॉम द टॉप एंड 15th फ्रॉम द बॉटम, यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छा, जब भी इस टाइप का कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए तो उसका सोल्यूशन आपने कैसे करना है? उसका सोल्यूशन इस तरह करना है आपने कि जो टॉप से उसकी रैंकिंग है वो कौन सी है, 17th, और बॉटम से उसकी कौन सी है, 15th। तो 17 प्लस 15 कितना आंसर आएगा, 32। जितना भी आंसर आए उसमें से 1 माइनस कर दें, दैट वुड बी योर आंसर। क्या जितने टॉप पे पोजीशन है 17th और बॉटम पे जो पोजीशन है वो 15th, उसका जो जो सम आए उसमें से 1 माइनस कर देना है, तो जवाब है आपका क्या, 31। अगर इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि एक क्लास में अली का रैंक जो है वो अली का जो रैंक है वो 7th नंबर है और टोटल जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो कितने हैं, 33, तो बताएं अली का बॉटम से रैंक कौन सा है। तो बॉटम से रैंक मालूम करने के लिए सेम मेथड होगा, क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर दें क्या जो अली की करंट पोजीशन है टॉप से, 33 माइनस 7। अब इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा 26। अब 26 जो इसका जवाब आ रहा है उसमें आपने वहां पे माइनस 1 किया था, यहां पे आप क्या करेंगे, प्लस 1। तो 27th फ्रॉम द बॉटम और 7th फ्रॉम द टॉप। ठीक है जी, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, अगर टोटल स्टूडेंट्स गिवन है और टॉप पोजीशन गिवन है तो आपने टोटल में से टॉप पोजीशन माइनस करनी है या बॉटम पोजीशन माइनस करनी है और इसमें प्लस 1 करना है। और इस वाले जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें टॉप और बॉटम दोनों की वैल्यूज गिवन है, इन दोनों को प्लस करना है, जो भी आंसर आए उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो यहां पे आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 31। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहां पे आपको एक सीरीज गिवन है जिसमें आपने मिसिंग नंबर मालूम करना है। ये देखिए 12, 14, 10, 16, -18, 6, 24। अगर मैं थोड़ा सा गौर करता हूं, अल्टरनेटिंग नंबर जो है 12 के बाद हो गया 10, 10 के बाद है ब्लैंक, ब्लैंक के बाद जो है 6, 6 के बाद है 4। अगर मैं थोड़ा सा गौर कर रहा हूं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, -2 की तरफ, -2। अब यहां पे मुझे मालूम नहीं है पर यहां पे मुझे बताया -2, तो इसका मतलब है कॉन्सिक्यूटिवली ये -2 और -2 यहां पे आएगा। तो इस हिसाब से इसमें से अगर -2 करें तो जवाब क्या आएगा, 8। और दूसरी सीरीज क्या है, 14, 16, दो बढ़ रहे हैं, फिर 18, दो बढ़ रहे हैं और दो बढ़ रहे हैं। तो हमें फिल इन द ब्लैंक के हिसाब से आपका आंसर क्या आना चाहिए, 8, और ये आपका राइट आंसर है। अच्छा, इसी पे कंटिन्यू करते हुए तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा, फाइंड द ऑड नंबर। अच्छा जी, ये नंबर्स हैं 51, 64, 121, 144 और 256। अब थोड़ा सा मैंने गौर किया, मुझे तमाम के तमाम नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। 8 का परफेक्ट स्क्वायर 64, 11 का परफेक्ट स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256। सिर्फ एक ही नंबर है जो मुझे परफेक्ट स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, सो दिस इज द ऑड नंबर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर आपका होना चाहिए 51। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड मीडियन ऑफ दीज नंबर्स। मीडियन के बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था कि मीडियन क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ नंबर्स में मिडिल नंबर। अब ये वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑलरेडी है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड मेथड में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। अच्छा जी, इसमें अगर हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो मिडिल नंबर जो आ रहे हैं वो दो आ रहे हैं,
जो मिडिल नंबर्स आ रहे हैं वो दो हैं। अगर ये टोटल नंबर्स हैं अभी हमारे पास सिक्स, पर अगर ये सात होते तो एक नंबर मिलता, वो तो आसान हो जाता हमारे लिए। पर अब हमारे पास इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स में हमारे पास दो जो है आपके क्या है, मिडिल नंबर्स आए। अब इन मिडिल नंबर्स में से मीडियन क्या होगा, इन दोनों को प्लस करें, जो भी जवाब आए उसको टू से डिवाइड करें। इन दो को प्लस करें, जो भी जवाब आए उसको टू से डिवाइड करें। तो इन दोनों को प्लस किया, 22 डिवाइडेड बाय 2, 22 डिवाइडेड बाय 2 माने 22 का आधा, 22 का आधा कितना होता है 11, सो 11 इज योर आंसर। ठीक है जी। अच्छा जी, आइसोसेलिस ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलिस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, ये सबको पता है। तो ये इसका जवाब क्या होगा, टू साइड्स इक्वल। अच्छा जी, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी उसको हम क्या कहेंगे, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो। और इसी तरह आपका स्केलिन ट्राइंगल क्या है, स्केलिन ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, नो साइड इक्वल, और ये जो है ऑल साइड्स इक्वल। और आइसोसेलिस में क्या होगा, टू साइड्स इक्वल। एक होता है राइट एंगल, राइट एंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो क्या हो, 90 डिग्रीज हो, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी। अच्छा जी, एक कहलाता है जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो है वो ऐसा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसकी तमाम की तमाम एंगल्स जो है वो क्या हो, लेस देन 90 हो, ऑल थ्री एंगल्स लेस देन 90, उसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और एक और ट्राइंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसकी एक एंगल 90 से बड़ी होगी और बाकी दो एंगल जो होंगी वो लेस देन 90 होगी। ठीक है जी, ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहता है कंप्लीट द एनालॉजी। कंप्लीट द एनालॉजी में 144, 23, 169 और डैश। अच्छा जी, आपको पता है कि 144 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 12 का। और अगर हम थोड़ा सा गौर करें, 12 का डबल उसमें से एक माइनस कर दिया इसने, 12 का डबल कितना था, 24, उसमें से एक माइनस कर दिया। अच्छा जी, यहां पे क्या है, 169, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144। तो यहां पे इसने क्या किया, 12 का डबल मतलब 24 उसमें से एक माइनस। तो यहां पे भी क्या होगा, 13 का डबल मतलब 26 उसमें से एक माइनस कर देंगे तो क्या जवाब आएगा, 25। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7। अ पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होती है वो बराबर किसके बराबर होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमेशा फार्मूला याद रखिएगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमने मालूम करनी है, डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर्स अपॉन टाइम, टाइम कितना है, 5 मिनट्स। अच्छा जी, ये जो डिस्टेंस है मीटर में है और नीचे जो गिवन है वो मिनट्स है, पर उसने आपको क्वेश्चन में ये कहा है कि किलोमीटर पर आवर में निकाले। अच्छा जी, आपको पता है कि एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, और एक किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 1000, ये उल्टे हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये एक जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, एक दो तीन जीरोस में कैंसिल हो गए। ठीक है जी, तो ये आपका 6 और 6 36 अपॉन 5, 36 अपॉन 5 का मतलब क्या है, 7 35 पॉइंट, और अब 7.25
टू इसका आंसर है, और सेवन भी हो तब भी आपको ऑप्शंस को देखते हुए पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है। तो दिस इज योर राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,75,000 टू 2,62,500 इन ए डिकेड। डिकेड का मतलब है 10 साल में। द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पर ईयर, आपको मालूम करना है परसेंटेज इंक्रीज पर ईयर में एवरेज कितनी निकली है। अच्छा जी, आपको पता है कि पहले 175,000 थी, अब है 262,500, तो इंक्रीज सबसे पहले तो आपको इंक्रीज मालूम करनी होगी। इंक्रीज किसके बराबर होगी, 262,500 माइनस 175,000। तो अगर आप इसमें से माइनस करते हैं तो 25,000 यहां से, फिर 62,000 यहां पे, तो ये हो जाएगा 87,500। अच्छा जी, अब हमने निकाल, अच्छा जी अब आपने निकालनी है परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगी कि कितना इंक्रीज आया है। इंक्रीज आया है 87,500, और किस पे आया है, 1,75,000 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1,75,000। तो आपका आंसर, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2,0,2,0, 1,0,1,0, अब ऊपर है क्या 175 नीचे, और ऊपर है 8,750, तो ये 80 जो है इसका 875 जो है हाफ ऑफ दिस है, तो ये हो जाएगा आपका 50%। 50% इज परसेंटेज इंक्रीज। अब ये जो 50% है ये 10 साल में इंक्रीज हुआ है 50%, पर हमने जो आंसर निकालना है वो पर एनएम निकालना है डिकेड के, डिकेड के हिसाब से। तो 50% डिवाइडेड बाय 10 पर ईयर आ जाएगा आपके पास कितना, 5%। 5% जो है वो आपका आंसर है। वो आंसर यहाँ पे गिवन है, वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके साथ ही हमारा वीडियो यहाँ पे एंड होता है। हम कमिंग वीडियो में जो है आपको ले आएंगे जो जो एज प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।